इस वक्त नागमणि मोहिनी के पास है, मगर हम अपनी नागमणि वापस लाएंगे शंकर के लिए। शंकर को यमलोक ले जाने में कुछ ही समय शेष है। अगर उससे पहले तुमने इस काल चक्र को मोड़कर सब कुछ बदल दिया तो तुम्हें तुम्हारा शंकर मिल सकता है, वरना शंकर की मृत्यु तय है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ पारो, इस मौके को गंवाना नहीं। यदि ये बीत गया तो तुम्हें तुम्हारा शंकर कभी वापस नहीं मिलेगा। हम लेकर क्या? मोहिनी से अपनी नागमणि वापस लेनी होगी। सुनिए ना, हम वापस आएंगे, आपको ले जाने आएंगे। हम लौट कर आ रहे हैं। शंकर, तुम इंसानों पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। मुझे ये किताब पढ़ के बताओगे कि नागमणि की शक्ति कैसे हासिल करनी है? पढ़ो। नागमणि की शक्ति यहां जोर से पढ़ो। नागमणि की शक्ति हासिल करना चाहता है उस स्त्री को अपने पति की बलि देनी होगी। पति? मेरा मनमोहन तो पर हाँ, एक तरीका है, यही करती हूँ। मैं फिर से शादी कर लेती हूँ और फिर अपने पति की बलि चढ़ाकर इस नागमणि की शक्ति हासिल कर लेती हूँ। अब तुम दोनों में से किसकी बलि चढ़ेगी? किसी की नहीं। हाँ, हम करो दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। तुम दोनों इधर आओ। करण जी आओ। कहाँ फंसा दिया? अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। 100 में लगा धागा, चोर निकल के भाग। मेरा पति सीमा नहीं। अरे ये हमारे पति हैं। अरे बचाओ सीमा हमें। चुप, फैसला हो चुका है, शादी तो होकर रहेगी।
चलो अपनी मर्जी से चलो, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ के भी फेरे पूरे कर सकती हूँ मैं। चलो रंभा, रंभा तुम ये गलत कर रही हो। दिमाग खराब हो गया है तेरा? अरे गगन शादीशुदा है, सीमा उसकी पत्नी है। अरे तो मुझे कौन सी दुनिया बसानी है इसके साथ? मुझे तो बस मेरी नागमणि से मतलब है। चलो जी, तुम्हारी ये बात भी कैसे हुई मेरी नागमणि को छूने की? ये बात भी कैसे हुई तुम्हारी? जी, मैं तो मेरे 200 साल की मेहनत है वो, तू अभी कैसे उसे? चीची, गलती हो गई मुझसे। चीची, अब तो मनमोहन भी नहीं रहा। चीची, अब तो सिर्फ मैं ही हूं ना आपकी अपनी। चीची, मुझे माफ कर दो। मेरी लड़ाई में कोई इंसान बीच में आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। जी, ये काला क्यों हो गया? Hey!
तुम्हारी जान बख्श कर चली जाऊंगी। जाऊंगी तो सही, लेकिन तुम सबको सबक सिखाने के बाद। अब मैं हूं सर्वशक्तिशाली, मुझसे ताकतवर और कोई नहीं, और तुम सबको मार के मैं शुरुआत करूंगी काली रात की रानी के शासन की। और इस बार मैं नाकामयाब नहीं होंगी, पता है क्यों? पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। इस बार मेरा वार खाली नहीं जाएगा, तुम सारे मरोगे। आज तक तुम इंसान चुड़ैलों को जलाते आए हो, लेकिन आज तुम सब जलोगे। और तुम्हारी ये चीखें, ये मेरा सुकून बनेगी जब मैं तुम्हें चिल्लाते हुए देखूंगी, सुनूंगी। मैं चिल्लाऊं अभी नहीं। जैसे मेरा मनमोहन मरा, वैसे ही अब तुम सब मरोगे। कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें। जला दीजिए इन्हें जीजी, मनमोहन की मौत का बदला लीजिए। कुछ नहीं होगा, हम सब ठीक कर देंगे। चलिए 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 चलिए, सब ठीक हो जाएगा चाची। चलिए नीचे चलिए। जीजी जीजी जीजी, आप ठीक हैं ना? मेरे पास बहुत दर्द हो रहा है, मेरे चेहरे में बाबा कुछ हुआ है, यहाँ पर मेरे चेहरे को कुछ हुआ है। मुझे दिखाइए दिखाइए, हाथ उठाइए, केले से हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हाँ शीशा हम लेकर आए हैं। ये देख, ये है तेरा असली चेहरा चुड़ैल। ये मैं नहीं हो सकती, ये मैं नहीं हूं, मैं तो बहुत सुंदर हूं ना। यही सच है, तुम्हारा असली सच। कब तक छुपाओगी अपना असली चेहरा मोहिनी? इंसान हो या चुड़ैल, उसका असली चेहरा एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है, और आज तेरा असली चेहरा सबके सामने आ गया। बहुत गुरूर था ना तुझे अपने चेहरे पर, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी तूने इस चेहरे के लिए। देख, आज तेरी खूबसूरती ने ही तेरा साथ छोड़ दिया। अब क्या करेगी मोहिनी? बेवकूफ मारो, सच से बहुत दूर। मैं याद दिलाती हूं तुम्हें, मैं कोई मामूली चुड़ैल नहीं, बहुत खास चुड़ैल हूं, सबसे खास। और तुम्हारी नागमणि की शक्ति वो भी मेरे पास है।
अमर हूं मैं और मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ। सीता जी, आपका चेहरा क्यों नहीं ठीक हुआ? पर और कितनी शक्तियाँ चाहिए आपको? नहीं होगा, क्योंकि ये चेहरा नागमणि की शक्ति से जला है और इसे ठीक करने का केवल एक रास्ता है, वो है समय में पीछे जाना, जो तो नहीं हो सकता। इसलिए इस चेहरे को तू अपने पुराने बुरे कर्मों का फल समझ और इसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी रहे। इसका मतलब मैं आपसे ज्यादा अच्छी दिखूंगी जीजी। बात मत करो अपनी। और तुम ठीक है जीजी, जीजी देखिए क्या है ये? क्या है ये? ये कुछ सच बोल क्या है ये? खिलौना, खिलौना है। बोल क्या है? चालाकी मत कर मुझसे, नहीं तो तेरे परिवार नहीं, नहीं बचाते। ये समय चक्र है, इससे समय में पीछे जाया जा सकता है। पर मोहिनी, तुम्हारे पास तो नागमणी है ना? हाँ, इस बदले इसे हमारे पास रहने। तुम्हारी नागमणी की शक्तियां भी कुछ नहीं कर पा रही मेरे चेहरे को ठीक करने के लिए। अगर पीछे जा सकते हैं समय में, तो समय को बदल सकते हैं। और अगर समय बदल दिया तो मैं अपना चेहरा ठीक कर सकती हूँ। नहीं नहीं, इसे हमें वापस कर दो। मोहिनी, इसका इस्तेमाल मत करो। रुक जाओ, हमारी बात तो सुनो। ये जो हमारे हाथ में काल चक्र है, भोलेनाथ की शक्ति से चलता है। कहा था कि वो डसेंगे, पर कैसे डसेंगे? वो तो मर गए। मर गए? हाँ, वो देखो। स्वागत की तैयारी करो रंभा, मैं आ रही हूँ। कमाल की बात है, तुम दोनों को ऐसी मौत मरेगी तो मैंने सोचा ही नहीं था। इस खेल को जीतने के लिए मुझे तुम दोनों से लड़ने की जरूरत नहीं है। पता कैसे? बच्चो, शंकर, शंकर, चीची, आपने कहा था कि वो डसेंगे, पर कैसे डसेंगे? वो तो मर गए। मर गए? हाँ, वो देखो। स्वागत की तैयारी करो रंभा, मैं आ रही हूँ। कमाल की बात है, तुम दोनों को ऐसी मौत मरेगी तो मैंने सोचा ही नहीं था।
शंकर को वापस लाने का मतलब है समय में पीछे जाना। तुमने इस काल चक्र को मोड़कर सब कुछ बदल दिया तो तुम्हें तुम्हारा शंकर मिल सकता है। शंकर, बारो, बारो, ये सब क्या था? हम समझाएंगे आपको, सब समझाएंगे। आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? हाँ? मैं ठीक हूँ बारो, ठीक हूँ। हम जीत गए शंकर। तुम्हारी बदौलत। हमारी बदौलत। ये कैसे मुमकिन है? मेरी नागमणि! अब इस खेल का अंत हम करेंगे। आखिर तुमने कर ही दिखाया पारो। अपने पति के प्राण मृत्यु के मुंह से छीन लाई तुम। किस्मत के धनी हो शंकर तुम, जो तुम्हें पारो जैसी जीवन साथी मिली। वर्षों पहले एक सावित्री मिली थी, तुम में बहुत झलक है उनकी। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक नाग अपनी नागिन और नागिन अपनी नाग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नागिन नहीं, सिर्फ पारो। जी, आपने कहा था कि वो डसेंगे, पर कैसे डसेंगे? वो तो मर गए। मर गए? हाँ, वो देखो। स्वागत की तैयारी करो रंभा, मैं आ रही हूँ। कमाल की बात है, तुम दोनों को ऐसी मौत मरेगी तो मैंने सोचा ही नहीं था। जी जी, आपने कहा था कि वो डसेंगे, पर कैसे डसेंगे? वो तो मर गए। मर गए? हाँ, वो देखो। स्वागत की तैयारी करो रंभा, मैं आ रही हूँ। कमाल की बात है, तुम दोनों को ऐसी मौत मरेगी तो मैंने सोचा ही नहीं था।